वेलकम टू इंडियन सस्टेनेबल फार्मिंग चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने ब्रोकली के अर्लियर वीडियोज़ भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो यहाँ देख सकते हैं आप। तो ब्रोकली की ग्रोथ तो हो रही है अच्छे ढंग से, लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम अक्कर कर रही है। वो प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, रिंग देख सकते हैं आप। ये प्रॉब्लम जो अक्कर कर रही है वो सारी इस वजह से कर रही है, क्योंकि यहाँ नमी का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो इस कारण देख सकते हैं आप यहाँ काला फिर चुका है नीचे। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बहुत नीचे सड़न जैसी हो रही है, तो इससे प्लांट मर भी सकता है। तो अभी इस स्टेज में इसे कवर कर सकता हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं करना है। फंगीसाइड का मैं इस्तेमाल करूँगा, तो उसके बाद इसमें थोड़ी सी मिट्टी भराई करेंगे ऊपर से, तो तभी स्टैंड हो पाएंगे। और एक्चुअली इसके पानी भी, मतलब सप्लाई जो है फर्टिगेशन, वो भी कम करनी है इस टाइम, क्योंकि इससे रूट रॉटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हरे रंग का जो एक वो बन जाती है पानी इकट्ठे होने से, तो वो क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो घास तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नील है, यहाँ पर कोई भी घास नहीं है। तो अभी ये अबाउट 2 मंथ्स के प्लांट हो चुके हैं, अभी इनकी ग्रोथ हो रही, ग्रोथिंग स्टेज पे है। मौसम भी यहाँ पर काफ़ी ठंडा है, तो लग जाएगा अभी इन्हें अबाउट हार्डली 1 मंथ के आसपास लगेगा फुल अपनी प्रोडक्टिविटी पे आने के लिए। तो ये तो मैंने अबाउट जो अपने 560 स्क्वायर मीटर से पहले लगाया हुआ था, अबाउट 10 डेज अगो, उससे पहले लगाया हुआ था 10 दिन पहले, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, फास्ट है। उसकी अभी थोड़ी लो है, तो उसका भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। तो दोस्तों यही होता है कि प्रॉब्लम तो सभी चीज़ों में आती है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन वे ये होता है कि आप किस तरह उसे प्रॉब्लम को टैकल करते हैं और किस तरह उसका निपटारा कर सकते हो। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप, जहाँ ओपन पे है वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो नमी का लेवल है वो मतलब बहुत कम है, देख सकते हैं आप। इसमें रिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ देख सकते हैं आप, मॉइस्चर की वजह से हरा हरापन आ चुका है ज़मीन पे, तो लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, लेकिन प्लांट काफ़ी सॉलिड है इस पॉइंट पे ये जो है प्लांट्स काफ़ी सॉलिड है। तो यही है मेरा आज का वीडियो छोटा सा। तो दोस्तों मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं अपने वीडियोज़ में काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल काफ़ी बहुत ज़्यादा बिजी चला हुआ है आजकल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैन पावर, लेबर प्रॉब्लम है मेरे पास लेबर की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो ऊपर से अपनी बिज़नेस है वहाँ पर, डीलिंग है वहाँ पर, करना पड़ता है डील आउट, तो फिर मैं टाइम दे पाना मुझे बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना करता हूँ, मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे कॉल करते हैं, मेरा नंबर मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो वो भी मायूस होते हैं कि मैं उनकी कॉल पिक नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उस टाइम बिज़ी होता हूँ, मैं पिक नहीं कर पाता। तो ऑब्वियसली सॉरी फॉर दैट दोस्तों। तो जब भी टाइम लगता है जिसकी पिकअप करता हूँ मैं, अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यही, अब क्या कर सकते हैं, सभी का शेड्यूल कोई ना कोई होता है, सभी ऑब्वियसली इसी के यूट्यूब के भरोसे तो मैं बैठा नहीं हूँ कि मुझे यूट्यूब से कुछ करना है। तो मैं तो अपना बस नॉलेज जो है वो अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ भी नहीं है, कोई बेनिफिट लेने हैं, कोई कुछ करना है, तो मैं अपनी तरफ से यही करना चाहूँगा। तो अपनी तरफ से जितना मैं नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। तो कुछ लोग पूछते हैं फर्टिगेशन के लिए, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ अगर लिए वीडियोज़ बताए हैं, जो भी बनाए हैं, तो उसमें भी फर्टिगेशन का प्रोसेस बताया, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। बेडिंग के बारे में पूछते हैं कि कितनी लंबाई चौड़ाई रखनी, वो भी एक अर्लियर वीडियो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वही बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैंने अपनाई हुई है, वो मेरे अर्लियर वीडियोस में आप देख सकते हैं शॉर्ट आउट करके। लेकिन एक्चुअली मैं यूट्यूब को पे भी इतना टाइम नहीं डिवोट कर पाता हूँ इतना, क्योंकि अब जैसे लोग लिस्टिंग करते हैं प्रॉपर वे से, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वही बात आती है ना, टाइम की बात सारी। तो इसके लिए भी मैं सॉरी कहना चाहूँगा। बाकी तो आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब सब्सक्राइबर रेशियो तो मेरा डेली बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी बोलते हैं हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने का एक और मोटिव भी मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लोग जुड़ते हैं मेरे साथ और उस पर बेकार सी चीज़ें मतलब पोस्ट करते हैं, प्लीज़ वैसा मत कीजिए। वो आपके लिए ये ग्रुप बनाया हुआ है मैंने,
उसे मुझसे लेना देना कुछ भी नहीं है बाकियों से। तो उसमें अपना जितना एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जो मतलब जितने नॉलेज वाले हैं, वो मैंने देखा कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हैं उसमें लोग जो अपनी अपनी टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। मैंने कभी पहले ये नहीं सुना था हाइड्रोफोनिक्स क्या चीज़ होती है, तो मुझे उस ग्रुप के कारण ही मतलब इगरनेस हुई कि जानने की हाइड्रोफोनिक्स क्या चीज़ होती है। तो थोड़ा बहुत सामान मैंने हाइड्रोफोनिक्स का परचेज़ भी किया, हालांकि मुझे बस वही बात है कि टाइम नहीं लग रहा, तो टाइम लगेगा तभी मैं उसके कर पाऊँगा। मैंने सबमर्सिबल पंप लिया हुआ है एक, तो पीवीसी पाइपिंग वगैरह फ़िट करके मैं अपने आप मैनुअली ही करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक चीज़ देखा जाए कि मैंने जितना भी देख रहा हूँ मैं हाइड्रोफोनिक्स का, जो भी सेटअप करना चाहते हैं कोई कंपनी के थ्रू करवाना चाहता है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है उसे, क्योंकि उसमें उनके स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो। लेकिन आप मैनुअली भी कर सकते हो, एक वेल्डिंग आपके पास अगर मशीन करते हो, आप कहीं से एंग्लान ले सकते हो, वो आपको लो ऑफ कॉस्ट पड़ेगा हालांकि। तो बस मेन चीज़ है बाकी नॉलेज, नॉलेज अगर आपको होगा कि कितने टाइम आपने हाइड्रोफोनिक्स ऑन रखना है, जो लिक्विड सर्कुलेशन होता है उसमें वो कितनी देर ऑन रखना है, कितने न्यूट्रिएंट्स देने हैं, तो एसिडिक लेवल कितना रखना है आपने, वो चीज़ होता है उसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसमें भी आपका ये भी है कि बीमारी कोई नहीं आती, वो भी देख सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर मेनली डिपेंडेंट होता है उसमें सारा, कि आप किस तरह कौन से न्यूट्रिएंट देते हैं उसको। तो मैं वो भी, मैं मतलब मेरी इच्छा है कि मैं हाइड्रोफोनिक्स से भी काम करूं, लेकिन टाइम होगा तभी कर पाऊंगा। तो अपनी देखूंगा मैं, जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं श्योरली डेफिनेटली एक वीडियो अपलोड करूंगा ऐसे कि मैं किस तरह स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं, किस तरह क्या कर रहा हूं, तो मैं ज़रूर डेफिनेटली अपलोड करूंगा उसे। तो आजकल वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, शायद बोर भी हो रहे होंगे आप। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी ही, अपनी कोशिश से मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, हैव अ नाइस डे।